नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ ज्योतिष सम्मत एक नई जानकारी को लेकर के, और जो जानकारी का आज कल हमारे जो चर्चा का विषय बना हुआ है वह नववर्ष 2020 के शुभ संस्कारों के शुभ मुहूर्तों को लेकर के हो रही है। अभी तक मैंने उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों पर चर्चा की और शुभ मुहूर्तों की तिथियां आपको बताई, और अब जो अगला संस्कार है वह है कर्णवेद संस्कार। अर्थात इसमें इसको कर्ण छेदन संस्कार भी कहा जाता है। बालक अथवा बालिका दोनों का यह संस्कार होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 संस्कार आते हैं। जन्म से पूर्व से ही हमारा प्रथम संस्कार गर्भाधान से लेकर के और अंतिम तक हमारे संस्कार ही होते हैं। संस्कार यानी सुंदरता और संस्कार यानी विनम्रता, तो इसीलिए हम संस्कार करते हैं कि यदि जीते जी पूर्व जन्म की कोई अपवित्रता हमारे अंदर हो तो वह किसी न किसी माध्यम से दूर हो और हम सरण मार्ग और सदगति प्राप्त करें इस जीवन में, इसलिए हम संस्कार करते हैं। प्रायः आजकल बहुत ज्यादा संस्कार तो नहीं होते, लेकिन कुछ संस्कार हैं जो आज के भारत में भी कई क्षेत्रों में अपने अपने रीति रिवाजों और अपने क्षेत्रीय कुल परंपराओं के अनुसार किए जाते हैं। प्रायः आजकल एक फैशन सा बन गया है कर्ण छेदन संस्कार का, कि कर्ण छेदन तो होता ही है। कई बड़ी बड़ी बालियां पहन देते हैं, तो क्यों ना इसको हम संस्कार के तौर तरीके से करें और इसे संस्कारित रूप से जितना कि हमारे कान में जो हम कर्ण छेदन करते हैं उसमें स्वर्ण की बाली पहनी जाए। यह सुंदरता का प्रतीक है, इससे सौंदर्य तो निखरता ही है, साथ ही इसके कई प्रमाणिक वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। कर्ण छेदन संस्कार करने के हमारे जीवन में कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम बालिकाओं को आभूषण पहनाते हैं कर्ण छेदन संस्कार के प्रांत, और उनका एक अलग ही सौंदर्य उन पर चमक उठता है। साथ ही जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में राहु और केतु बहुत बुरे प्रभाव देते हों और बहुत गलत स्थिति में हों, उन लोगों को अपना बायां कान अवश्य छिदवाना चाहिए और उसमें आभूषण धारण करना चाहिए। साथ ही वैज्ञानिक तत्व यह है कि हमारे जो जहां पर हम कान छिदवाते हैं वहां से कई नसें हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, और जब हम कर्णभेद संस्कार करते हैं उसमें कुछ वस्तु डालते हैं, कोई धातु उसमें डालते हैं, तो हमारे दिमाग की नसें एक एक्यूपंक्चर होता है और वह नसों में से सीधा रक्त प्रवाह दिमाग में अच्छी तरह से होता है। साथ ही हमारा जो दिमाग का लेवल है वह बहुत अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है। तो यह तो इस संस्कार की महत्व है। कई प्रकार से हमारे जीवन में लाभ हमें मिलता है संस्कारों के माध्यम से। तो किसी भी संस्कार को कराने के लिए सर्वप्रथम उस संस्कार के को करने के लिए शुभ मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन भारत से ही यह
परंपरा चली आ रही है कि हम किसी भी प्रकार का पूजन करें, किसी भी प्रकार का संस्कार करें, उसके लिए शुभ मुहूर्तों का होना आवश्यक है। उनमें कुछ नक्षत्र होते हैं जिन पर यह संस्कार करने से चार चांद लग जाते हैं, तो वही तिथियां मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी तिथियां होंगी जो सन 2020 में कर्ण छेदन संस्कार के लिए सर्वोत्तम तिथियां होंगी। तो आए प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं जनवरी की। तो जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में 16, 17, 27, 30 और 31 जनवरी 2020, वहीं फरवरी में 7, 13, 14, 17, 21 और 28 फरवरी 2020, मार्च में 5 मार्च, 11, 13, 16, 17, 27, 29 और 30 मार्च 2020, वहीं अप्रैल में 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 20, 25, 27 और 28 अप्रैल 2020, जून में 1, 3, 7, 8, 10, 11, 15 और 17 जून आप सभी जातकों के लिए कर्णवेद संस्कार के शुभ मुहूर्त हैं। तदुपरांत अतिरिक्त माह आ जाएगा और इस मास से लेकर के अक्टूबर मास तक संस्कार करने का कोई शुभ समय नहीं है। तदुपरांत आप 25 और 30 नवंबर, 3 और 9 दिसंबर 2020 को इस संस्कार को कर सकते हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में अपने परंपराओं के अनुसार भी यह संस्कार होते हैं, तो आप किसी भी परंपरा से यह संस्कार करें लेकिन मुहूर्त के हिसाब से ही करें। इसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं का पूजन के प्रांत ही यह संस्कार करवाएं तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही मंगल कामना करते हैं। नमस्कार। किसी भी प्रकार का इस संस्कार से जुड़ा कोई सा भी आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं, आपका प्रश्न का समाधान कर दिया जाएगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर अवश्य करें ताकि सभी जो दूर विदेशों में बैठे हैं और ये संस्कार करवाते हैं व करवाना चाहते हैं तो उनको भी मुहूर्तों का पता लगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।